देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड के देहरादून में रायपुर थाना क्षेत्र में बढ़ रही वाहन चोरी पर संज्ञान लेते हुए एसएसपी के द्वारा एसओजी और थाना रायपुर टीम का गठन करते हुए वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके चलते पुलिस और एसएसपी को मुखबिर की सूचना पर वाहन चोर थाने के रास्ते देहरादून से भागने की फिराक में थे। तभी पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर रायपुर थाना क्षेत्र में वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 7 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इस मामले पर देहरादून की एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी में पिछले काफी समय से वाहन चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम गठित की। इस टीम ने रायपुर में 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस अभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पकड़े गए 3 आरोपी यूपी के बिजनौर के रहने वाले हैं। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट देहरादून। चोरी के गैंग्स पे हम लोग काम कर रहे थे, उसी कड़ी में नेहरू कॉलोनी के उपरांत जो है आज रायपुर थाना क्षेत्र में एक उसको 3 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें से एक गाड़ी चोर है, दूसरा मैकेनिक का काम करता है जो कि गाड़ियों को काटता था, और तीसरा कबाड़ी है। इनके पास से लगभग 7 मोटरसाइकिल्स, 7 गाड़ियाँ, 2 व्हीलर्स बरामद हुई हैं। इस संदर्भ में इनका जो है इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और उसको भी देखा जाएगा। अगर और मुकदमे सामने आते हैं तो इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। मेरी जनता से यही अपील है कि 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स जब भी पार्क करें, आप जो है 4 व्हीलर्स में स्टेयरिंग लॉक और गियर लॉक जो है जरूर लगाएं, साथ ही साथ 2 व्हीलर्स में व्हील क्लैंप या चेन के माध्यम से उसको सिक्योर करें, ताकि आपकी गाड़ियां जो है चोरी ना हो, और साथ ही साथ उनके पेपर्स जो है रात में जब घर जाएं तो पेपर्स गाड़ी में ना छोड़कर उसको अपने साथ ही रखें। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।